हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम देखेंगे जंतर मंतर, और ये सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ से एंट्रेंस है। चलिए चलते हैं जंतर मंतर देखने के लिए। और ये है टिकट काउंटर, उसके पास में ही है, तो आप टिकट प्राइस देख सकते हो। 50 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा, और फॉरेन टूरिस्ट हो तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। और ये आप टिकट देख लेना। अब चलते हैं अंदर। जंतर मंतर को हिंदी में ज्योतिष वेधशाला बोलते हैं, और ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे यंत्र वगैरह यहाँ पर है। और ये गाइड्स के प्राइस है, आप गाइड्स लेना चाहते हो तो इस प्राइस में आपको गाइड मिलेगा, और गाइड होगा तो एक्सप्लेन अच्छे से आपको कर देता है, पर बाकी सब में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है तो आप वो पढ़ के भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए गाइड्स वगैरह सब खड़े हैं, और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े यंत्र बनाए गए हैं। और जंतर मंत्र का मीनिंग है जंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, और मंत्र माने कैलकुलेशन। इस जंतर मंत्र को जयपुर के फाउंडर महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड ने बनवाया था, जो 1728 में स्टार्ट किया था और 1734 में वो कंप्लीट हो गया था बनके। उन्होंने इंडिया में ऐसे 5 जंतर मंत्र बनवाए थे। फर्स्ट दिल्ली में बनवाया था, सेकेंड बनवाया था मथुरा, बनारस, उज्जैन के अंदर, और उनमें जो भी कमियां रह गई थी वो उन्होंने पूरी की थी जयपुर के जंतर मंत्र के अंदर। और जयपुर का जंतर मंत्र सबसे बड़ा है, आज भी सन क्लॉक टाइम शो करता है। जयपुर का लोकल जो टाइम होता है वो यहाँ पर शो करेगा। और चलिए चलते हैं, अपन जानते हैं इन यंत्रों के बारे में। और ये सबसे पहला यंत्र है ध्रुवदर्शिका यंत्र। ये इंस्ट्रूमेंट नाइट में वर्क करता है। इसकी सिधाई में आप जैसे नीचे बैठोगे और सामने डायरेक्शन में देखोगे तो आपको पोलो स्टार ध्रुव तारा दिखेगा, तो उससे आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पे है। इस यंत्र को कंपास भी कहते हैं, तो उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। और उसके बाद में ये जो सेकंड यंत्र जो है इसको लघु सम्राट यंत्र कहते हैं, जो आपको 20 सेकंड तक का एक्यूरेट टाइम दिखाता है सनलाइट से। एग्जैक्ट टाइम जो जयपुर का लोकल टाइम जो होता है ये वो दिखाएगा यंत्र। यहाँ पे जो यंत्र हैं वो एक छोटी साइज़ का, जैसे ये छोटी साइज़ का बनाया गया है, और इससे बड़ा साइज़ का भी यहाँ पर यंत्र बनाया गया है जो 2 सेकेंड्स का एक्यूरेट टाइम दिखाता है, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। चलिए चलते हैं आगे और भी यंत्र देखने। और ये जो यंत्र दिख रहा है ये यंत्र राज है, ये सब यंत्रों का राजा कहते हैं इसको। ये पंच धातु से बनाया गया है, और इसमें आप देख सकते हो होल था, उसके अंदर टेलीस्कोप लगा के रात को नक्षत्रों को देखा जाता था। चलिए चलते हैं आगे। ये जो आपको सामने यंत्र दिख रहा है इसमें देखो आप एग्जैक्ट दिख रहा है कि घंटे दिखाए गए हैं, और उसके अंदर आपको मिनट्स होंगे, फिर उसके अंदर सेकेंड्स होंगे, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही सारे यंत्रों के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए लाइन्स वगैरह बनाई गई है। चलिए चलते हैं आगे, बड़े यंत्र के पास में जाएंगे। इस यंत्र को कहते हैं सम्राट यंत्र। जो मैंने आपको पहले जो यंत्र दिखाया था टाइमिंग वाला, तो मैंने आपको बोला था ना कि उसमें एक्यूरेट 20 सेकेंड का टाइम दिखाता है, और इस यंत्र के अंदर एक्यूरेट 2 सेकेंड का टाइम दिखाता है। ये आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा है साइज में। और चलिए अंदर भी चलेंगे यहाँ नीचे। पहले के ज़माने में यहाँ ऊपर जाकर कैलकुलेट किया करते थे, अभी तो ये बंद कर दिया गया है। और ये सामने जो आप देख रहे हो स्लाइडिंग, तो वहाँ पर मार्बल की प्लेट्स वगैरह लगाई गई हैं, और इससे ही टाइमिंग का कैलकुलेशन होता है। जैसे ये धूप ऊपर आ रही है तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्लाइडिंग्स बनाई गई हैं, एक इस साइड में बनाई गई है, एक उस साइड में बनाई गई है, तो वहाँ पे AM का टाइम शो करता है, यहाँ PM का टाइम शो करता है। यहाँ पास से जो अपन देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कौन सा टाइम चल रहा है फ़िलहाल। पहले के टाइम में ज्योतिष वगैरह यहाँ पर आया करते थे, कुंडली वगैरह बनानी होती थी तब, पर आजकल तो कंप्यूटर वगैरह चल गए तो अभी कोई इतना आता नहीं है। अब चलते हैं ऊपर,
और आपको मैं ऊपर से दिखा देती हूँ, ये जो दरवाज़ा है ये पहले ओपन हुआ करता था और यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ से ऊपर जाया जाता था। तो यहाँ पे पूरा एक्यूरेट पूरा टाइमिंग वगैरह ये लोग उससे कैलकुलेट किया करते थे। आज के टाइम में भी मार्च में यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं और ऊपर जाके कपड़े की ध्वज लगाते हैं और जिस साइड में डायरेक्शन वगैरह होता है तो वो चेक करते हैं कि बारिश कैसी होगी जयपुर के लिए। अभी भी 75% करेक्ट होता है उनका अनुमान। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह किया जाता है और ये आप पूरा जंतर मंतर देख सकते हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ा शाम हो गई है इसके वजह से, विंटर्स में वैसे भी जल्दी हो जाता है। तो ये सामने और भी यंत्र वगैरह हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है 12 राशियों के 12 यंत्र। बारह राशियों का अलग अलग बनाया गया है, ये आप देख सकते हो। कैंसर, कर्क राशि, ये 12 राशि है। सूरज एक महीने एक राशि पे चलता है और इस यंत्र को क्रांति वृत्या यंत्र कहा जाता है। और ये आप देख सकते हो ऊपर से इसका व्यू। हर राशि के लिए एक यंत्र बनाया गया है और सूर्य हर राशि में एक महीने रहता है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर आए तो यहाँ उनको टाइमिंग वगैरह दे तो ये एग्जैक्ट आपकी कुंडली बना के दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वगैरह सब किया गया है और उस हिसाब से ये यंत्र बनाए गए हैं। ये यंत्र 300 साल पुराने हो चुके हैं पर अभी भी ये यंत्र वर्क करते हैं और टाइमिंग वगैरह सब सही से दिखाते हैं। और ये आप ये देख सकते हो यहाँ इस यंत्र के नीचे जाने का रास्ता है और इस यंत्र को कहते हैं जय प्रकाश यंत्र, मिरर ऑफ स्काई। ये पूरा स्काई से कैलकुलेट किया जाता है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सब राशियाँ वगैरह यहाँ लिखी गई है, अभी कौन सी राशि चल रही है, सूर्य कौन सी राशि में है, ये पूरा यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया जाता है। यहाँ पर जैसे आज की तारीख में इस वक्त जो भी बच्चा जन्म लेगा तो वो कौन सी राशि का होगा और एक में बताते कौन से लग्न का होगा। लग्न तो सिर्फ ये यहाँ का ही बताएगा आपको, जयपुर का राशि आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी जो होगा तो उसका बताता है। और ये जो सीढ़ियाँ थी उससे आप नीचे जाके वहाँ पे भी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते थे, अभी सब बंद कर रखा है। चलिए अब ये देखेंगे दूसरे यंत्र। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये चक्र यंत्र है, इसको हाथ से घुमा के कैलकुलेट किया जाता था कि दिन कितने बड़े हैं हुए हैं और रात कितनी छोटी हुई है, सारा कैलकुलेशन यहाँ पर होता था। और ये आप सामने देख सकते हो इस यंत्र के अंदर ये जैसे ये बीच में ये एक लगाया हुआ है, उसकी धूप से जो छाया वगैरह आती थी उससे ही पता चलता था कैलकुलेशन राशि वगैरह का। ये जो सामने आपको यंत्र दिख रहा है ये राम यंत्र है और इसमें भी काफ़ी सारे यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह बनाए गए हैं, उससे कैलकुलेट किया जाता है लेटिट्यूड एटीट्यूड सन के बारे में। तो आप ये भी देख सकते हो। ये वाला जो यंत्र है इसको दिशा यंत्र कहते हैं, इससे दिशा पता चलती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और ये जो बीच में पिलर है वहाँ पर एक खिली लगाई गई है मेटल की, तो ये उससे डायरेक्शन बताते हैं कि कौन सी साइड में ग्रह वगैरह कहाँ पर है, तो वो कैलकुलेट किया जाता है। ये देखिए जैसे सामने इसमें भी जैसे रॉड लगा है तो वो रॉड के ऊपर जब लाइट पड़ती है सन की तो वहाँ से ये डायरेक्शन बताएगा कि कौन सी साइड में कौन सा ग्रह टाइमिंग क्या चल रही है, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पर होती है। तो आप यहाँ पर जयपुर आओ तो ये ज़रूर देख सकते हो क्योंकि काफ़ी एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर आराम से किया जाता है और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देखने लायक है। और ऐसे भी ये पूरा सिटी पैलेस के एग्जैक्ट सामने की साइड में ही है, तो सिटी पैलेस भी आओ तो आप यहाँ पे ज़रूर एक बार विजिट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाया गया है। अब चलते हैं बाहर, एंट्री इधर से है, एग्जिट वहाँ से।
मुझे तो जंतर मंतर देख के काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आप जयपुर आते हो तो ज़रूर से विज़िट कर लेना जंतर मंतर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।